Hello students, welcome to gatelectures.com. Today we are going to talk about TOEFL. हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आई जो जानना चाहते थे कि TOEFL क्या होता है और किस तरह से इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम आता है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर होता है और TOEFL और IELTS के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी हम बात करेंगे. वी हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट वेयर यू गेट टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TOEFL एंड IELTS. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट TOEFL. TOEFL आखिर होता क्या है? लाइक IELTS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम्स, सिमिलरली TOEFL ऑल्सो स्टैंड्स फॉर, यू नो, इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर समथिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. इट स्टैंड्स फॉर टेस्ट of English as a foreign language. So basically, जो हमारा TOEFL होता है, इसका full form है Test of English as a Foreign Language. Basically, आपका English का level क्या है, आप internationally कितना आपका level है, उसके हिसाब से हम exam होता है. बेसिकली जो TOEFL होता है, क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग IELTS करें या TOEFL करें, TOEFL कहाँ वैलिड होता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द TOEFL एग्ज़ाम, एकेडमिकली ये एक एकेडमिक एग्ज़ाम होता है. मोस्टली लोग जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो TOEFL देते हैं एंड मेनली इट इज़ वैलिड इन नॉर्थर्न अमेरिका, स्पेशली द US. Mainly US के लिए and some countries or you know some universities in Canada, वो भी TOEFL लेते हैं, but mainly ये ज़्यादातर 99.9% it is valid for the US. US की कई universities जो हैं वो TOEFL लेते हैं. TOEFL जो है हमारा, हम इसे IBT भी बोलते हैं, we also call it as IBT. Now what is this IBT? IBT stands for Internet based test. So basically जो हमारा TOEFL होता है, that is an internet based test. Online आपको questions होते हैं, आपको वो answer करने होते हैं, then and there itself. It is on the internet, right? अब ये होता कहाँ है? कुछ certified centers होते हैं, computer centers होते हैं, जहाँ पर आप जाकर अपना registration कराने के बाद आपके नियर बाय एरिया में जो भी रजिस्टर्ड सेंटर है वो आपको वहाँ का एड्रेस दे देंगे. दे विल गिव द टाइम एंड द डेट. वहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर्स पे बहुत सारे लोग एक टाइम बैठ के एग्ज़ाम्स देते हैं और फिक्स टाइम है जब आप सबका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, फिक्स टाइम है जब सबका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बट इट विल बी एट सम सर्टिफाइड सेंटर्स. सो नाउ लेट्स लुक कि इसके क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं, क्या टाइमिंग्स होते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. सो द फर्स्ट एग्जाम दैट वी हैव इज योर रीडिंग, द सेकेंड वन वी हैव इज लिसनिंग, देन स्पीकिंग एंड इन द एंड वी हैव राइटिंग. सो मेनली हमारे यही फोर एग्जाम्स होते हैं जस्ट लाइक IELTS, दैट्स रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. सो अब हम बात करते हैं ये कैसे होते हैं. यूजुअली रीडिंग जो होता है हमारा वो 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स होता है एंड इन दिस क्या पैटर्न्स होते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में आगे डिटेल में बात करेंगे. लिसनिंग इज यूजुअली यू कैन से 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स. अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि 40 है या 60 होगा? जब अगर आपका रीडिंग 60 का होगा, 60 मिनट्स का होगा, तो उस केस में हो सकता है आपका जो राइटिंग है वो 60 मिनट्स या इट कैन इवन गो टू 80 ऑल्सो समटाइम्स यू कैन से. अगर ये आपका 60 मिनट्स का है तो हो सकता है ये आपका 80 मिनट्स का हो, और अगर बाई चांस आपका रीडिंग 90 मिनट्स का हो सकता है आपका लिसनिंग शॉर्टर हो जाए. तो यूजुअली कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. जैसे अगर हम IELTS की बात करते हैं, IELTS में फिक्स है कि दैट विल बी फॉर 1 आवर, 60 मिनट्स रीडिंग एंड लिसनिंग विल बी 30 to 40 मिनट्स. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, इट डिपेंड्स. जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में सेट्स होते हैं, तो उस सेट्स के हिसाब से यहाँ पर ये डिपेंड करता है. सो बेसिकली इट इज़ दिस
Usually this is for about 2 hours, you can say 40 minutes approximately. I'm not saying that surely it is 2 hours 40 minutes, but it is between 2 hours to 2 hours 40 minutes. Then after this there is a break for 10 minutes. This is a fixed 10 minutes break. It cannot be 8 minutes or 7 minutes. It is fixed 10 minutes break. Then we start with the listen, your speaking part. The speaking is nearly for maximum for 20 minutes, I can say. 20 minutes means it can be 15 also, 18, 20, but maximum it will be for 20 minutes. आप जहाँ हैं वहीं पर आपको हेडफोन्स लगाकर स्पीकर में माइक पे आपको आंसर करने होते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द लास्ट वन बीइंग योर राइटिंग पार्ट. राइटिंग पार्ट इज फिक्स, इट इज नियरली फॉर 60 मिनट्स. ये आपका फिक्स है, राइटिंग आपको 60 मिनट्स ही होता है. दो आपको इसमें राइटिंग टास्क होते हैं जो हम आगे वन बाय वन डिटेल में सबकी बात करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द रीडिंग पैटर्न. रीडिंग पैटर्न किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम डिटेल में चेक करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग पार्ट. टोफल में रीडिंग पार्ट कैसे होता है, किस तरह का होता है, उसकी हम बात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, यूजुअली जो हमारा टाइम होता है दैट इज़ फ्रॉम 60 मिनट्स टू 90 मिनट्स. मीन्स मिनिमम 60 मिनट्स इज फिक्स्ड एंड मैक्सिमम कैन बी 90 मिनट्स. इस केस में आपको यूजुअली 3 to 5 पैसेजेस आते हैं. 3 to 5 पैसेजेस होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं. और ये जो भी पैसेजेस होते हैं ये सारे आपके एकेडमिक पैसेजेस होते हैं जो कि आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं. एंड दे कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, लाइक दे कैन बी फ्रॉम साइंस, दे कैन बी फ्रॉम अकाउंट्स, दे कैन बी फ्रॉम हिस्ट्री, और इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, राइट. अब ह्यूमैनिटीज मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. उसमें आपका कल्चर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, कास्ट सिस्टम हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. सो अगेन ये कोई भी पैसेजेस हो सकते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा डिपेंड, 60 मिनट्स है तो हो सकता है आपको 3 पैसेजेस हों, 80 मिनट्स है तो हो सकता है आपको 4 पैसेजेस हों. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द पैसेजेस. यूजुअली फॉर एवरी सेक्शन, एवरी पैसेज हम 20 मिनट्स लेके चलते हैं. तो पर सेक्शन वी हैव अराउंड 20 मिनट्स पर सेक्शन. और इसमें हमारे अराउंड 42 to 56 क्वेश्चंस होते हैं. लाइक इफ़ यू हैव 3 पैसेजेस सो यू माइट हैव 42 क्वेश्चंस. अगर 5 पैसेजेस हैं तो हो सकता है, या 4 हो तो अकॉर्डिंगली आपके बढ़ जाते हैं. ऑन एन एवरेज हर पैसेज में आपके अबाउट 14 क्वेश्चंस, 13, 14, 12, 13, 14, एवरेज इफ आई से इट विल बी अराउंड 14 क्वेश्चंस पर सेक्शन. नाउ what can be the passage, I mean what can be the questions, how we can answer them. Ek aap screen ke upar is tarah se dekhenge passage, uske upar aapka yahan par ek title likha hota hai. After title every passage has the first line which is highlighted like this, right. Let's say ye aapka ek passage 1 hai, ये आपका पैसेज 2 है, एंड दिस इज योर लेट्स से द थर्ड पैसेज. तो मेनली आपको टाइटल पढ़ के पता चल जाता है कि वो एक पैसेज किस चीज़ के बारे में बात करने वाला है, किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है. और टाइटल लाइन पढ़ के आपको और क्लियर हो सकता है. यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं. लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, एक बार आपने वो पैसेज पढ़ने के बाद आपने आंसर्स कर दिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार उसको एंटर कर दिया, बटन दबा दिया एंटर का, आंसर्स आर गॉन, यू कैन नॉट गो बैक टू देम. टोफल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है द मोमेंट यू प्रेस द एंटर बटन इन योर कंप्यूटर. क्योंकि जैसा मैंने कहा इट इज़ एन IBT, इट इज़ एन इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, राइट. तो एक बार मान लीजिए मैंने ये वाला सेट आंसर किया,
बट यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम सीक्वेंस वाइज चलें क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं. बट मान लीजिए मैंने पहला पैसेज पढ़ा, एंटर कर दिया और देन आई रियलाइज ओ गॉड मैंने शायद 13th क्वेश्चन का आंसर शायद गलत हो. आई वॉन्ट टू गो बैक एंड चेक. आई एम सॉरी आई कैन नॉट डू दैट. वंस एंटर्ड इट इज टेकन एज सबमिटेड. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आंसर दैट. अब इस केस में यूजुअली हर सेक्शन में, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर किसी सेक्शन में मान लीजिए आपके 12 ही क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए, तो यूजुअली उस केस में क्या होता है, इट कैन बी अ लॉन्ग डिटेल्ड क्वेश्चन. अब जब आप लॉन्ग डिटेल देंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम आपका वो एक क्वेश्चन दो का या तीन का टाइम ले लेगा. तो कई ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस हो या 12 हो. एवरेज मैंने आपसे कहा एवरेज इज 14 क्वेश्चंस पर सेक्शन. सो दिस इज रीडिंग पार्ट. अब हम बात करते हैं कि यूजुअली यहाँ पर TOEFL के केस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. मेनली वी हैव 9 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गेट इन TOEFL. These are the 9 type of questions that we usually get in your TOEFL exams. First is related to vocabulary. जो आपने vocabulary है उससे related हो सकता है कि what can be the synonym or what can be the antonym, something related to that. Detailed questions, एक line दिया है उसको आपको detail में explain करना है, that kind of questions. Negative detailed questions, negative detailing देनी है आपको. It can be some kind of inferences. Inferences means जब आप logical reasoning पे conclusion पे पहुँचते हैं, that is your inference. Pronouns related questions हो सकते हैं या आपके plug-in questions हो सकते हैं. Plug-in means something connected with. Paraphrase हो सकते हैं. Paraphrase means something similar to, you know, that. So that can be there or means something when you replace it with some other better vocabulary or something. Purpose ki wo jo article aap pad rahe hain, jo bhi paragraph pad rahe hain, usme maybe writer ka purpose kya hai wo bolne ka, ya kuch aisa hua to uska kya reason tha, aisa kya purpose tha ki aisa hua. So they can ask you about the purpose. Or last, it can be some kind of summary ki aap kya summarize karte hain is लाइन से या इस पैराग्राफ से. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको इनमें से कोई भी आ सकता है फॉर योर रीडिंग एग्जाम. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज योर लिसनिंग पार्ट. जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो लिसनिंग होता है वो हमारा 40 मिनट्स टू 90 मिनट्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पैसेजेस. यूजुअली हमें या तो 6 to 9 पैसेजेस हो सकते हैं, but means starting can be 6 or maximum can be 9 passages. अगर by chance आपके 6 या 9 passages हैं, तो in case of 6 हम कह सकते हैं around 4 can be your one type of passages and remaining can be your other type of passages. अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के passages यहाँ पर हमारे आते हैं. First of all, अगर हम बात करते हैं तो पहले होते हैं हमारे जिन्हें हम कहते हैं academic lectures. So first of all, we get academic lectures. First type of listening pattern that we get is an academic lectures. अब academic lectures कैसे होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको reading में बताया कि जो हमारे topics होते हैं वो कुछ academic से related होते हैं, studies से related होते हैं. तो यहाँ पर भी lectures जो होते हैं वो होता है. यहाँ पर क्या होता है, on the screen sometimes you see a picture of a professor. मान लीजिए आप मुझे मेरी picture देख रहे हैं खड़े, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ी हूँ और background script चल रहा है about something. Like for example, if I say autotrophs, autotrophs, what are autotrophs, diamond is an autotrop, coal, diamond is an autotrop of a coal. And इसके बारे में complete academics script पीछे से आती है. The professor is asking the students, what do you know about this, how can you make a diamond, or kis tarah se, how come diamond is different from coal or a graphite, because graphite is also a autotrop of coal, right? So ek picture dikhti hai, but you just listen to it, you don't see the professor or the picture of the teacher speaking. It's just a picture and the background sound.
इसके साथ बीच बीच में आपको, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ऑटोट्रॉप्स के ऊपर कि ओके कोल जो है उसका स्ट्रक्चर जो होता है, आपका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वो इस तरह से होता है, डायमंड इज मोर स्पेसिफिक क्लियर होता है इन कंपैरिजन टू द कोल एंड ग्रेफाइट इज मोर क्लियरर, तो कभी कभी आपको प्रोफेसर का पिक्चर हटा कर उसकी जगह कुछ और डायग्राम्स भी दिखाए जा सकते हैं लाइक द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और समथिंग लाइक दैट. In case of this part, आप in case of reading also, in case of listening also, in case of speaking and writing, आप अपने साथ एक notebook carry कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें तो साथ साथ notes copy कर सकते हैं या important points jot down कर सकते हैं, especially in case of listening, क्योंकि आपको screen पर कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, बस आप सुनाई दे रहा है, तो मे बी autotrophs or diamond or whatever you find important, वो points आप jot down कर सकते हैं. यूजुअली हमारे जो एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं पर लेक्चर इट इज़ फ्रॉम 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes आपको लेक्चर सुनाई देगा, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको आंसर करने हैं ऑन द स्क्रीन. इसीलिए मैंने कहा कि वाइल लिसनिंग टू दी लेक्चर्स आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं. So this is a first kind of listening pattern that you get, that is your academic lectures, and the second one is your conversations. So let's look into that now. The second kind of questions that we get is your college-like conversations. It is a kind of a formal conversations which can be between, you can say, the student and the professors. अब ये आपके एक क्लास में आफ्टर द लेक्चर कन्वर्सेशन हो सकती है, आउटसाइड द क्लास हो सकती है, कई बार हम बाहर खड़े होकर प्रोफेसर से ऑन द टॉपिक दैट द प्रोफेसर टॉट हम उस पर बात करते हैं. सो दैट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड और समथिंग लाइक दैट, यू नो, एनीवेयर एल्स ऑल्सो. द सेकेंड काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कैन बी बिटवीन द स्टूडेंट और other of, you know, university people or university staff. Like it can be between the student or the librarian, it can be the student or the admin department people, student or some other concerned person. So, ye bhi ho sakta hai. Again, the format will be, it will be a kind of a formal conversation. दो एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच में कन्वर्सेशन या एक स्टूडेंट या लाइब्रेरियन के बीच में कन्वर्सेशन होगा. इट कैन बी रिगार्डिंग सम टॉपिक और रिगार्डिंग सम इशू एंड देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट आफ्टर द कन्वर्सेशन. दीज कन्वर्सेशंस आर ऑल्सो यू कैन से अराउंड 3 to 4 minutes ऑफ कन्वर्सेशन. आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेन डाउन कर सकते हैं सो दैट यू कैन आंसर दैम वेन यू गेट बैक टू द क्वेश्चंस, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स आपको दोबारा नहीं सुनाई जाएंगे. डिफरेंस इन कन्वर्सेशन एंड इन लेक्चर्स, लेक्चर इज वन वे, सिर्फ टीचर बोल रहा है. कन्वर्सेशन इज बिटवीन टू पीपल, तो ये दो लोगों की बातचीत है, राइट. सो अगर आपका मान लीजिए 6 passages हैं, सो 4 विल बी लेक्चर्स एंड 2 विल बी कन्वर्सेशंस. या मान लीजिए आपके अगर 7 हैं, सो 4 and 3. सो इट टोटली डिपेंड्स, यू आर नॉट श्योर कि पक्का 4 ही होंगे हमारे लेक्चर्स या कन्वर्सेशन 2 ही होंगे. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिसनिंग पैसेजेस दैट यू गेट टू हेयर अबाउट. और ज़रूरी नहीं कि जितने भी लेक्चर्स हैं सब इंटर रिलेटेड होंगे, अगर सब साइंस के हैं तो सब साइंस के ही होंगे. As I said, like reading, जिस तरह से हमने reading में देखा था, it can be from any field, it can be from chemistry, science, physics, biology, or maybe your humanities or history, किसी भी field, किसी भी stream से हो सकता है, but only thing is they are all academics. The next we will do now is about your speaking patterns. The next section of TOEFL is your speaking. Speaking is usually, you can say, maximum for 20 minutes. Maximum is 20 minutes hote hain. Aur ye 20 minutes, iske andar aapko 6 different tasks hote hain. Ab ye tasks so kaun se ho sakte hain? If I say about 6 tasks, so ye 6 tasks jo hain, hamare 2-2 ke pairs mein divided hote hain. 2 are your independent tasks.
And these, you know, the next 3, 4 and 5, 6, ye ek tarah ke aapke integrated tasks hote hain. Ab ye kya hote hain? What are the independent tasks and what are the integrated tasks? Ab hum iski baat karte hain. So let's know something more about these kind of tasks we have. So the first one is your independent task. Jo hamara first and second question hota hai, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है, इसे हम इंडिपेंडेंट टास्क बोलते हैं. इसमें भी हमारे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट वन इज योर पर्सनल चॉइस क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज योर पर्सनल चॉइस? पर्सनल चॉइस डज नॉट मीन दैट यू गेट फोर ऑप्शंस एंड यू कैन चूज वन. नो, पर्सनल चॉइस लाइक आपसे पूछ सकते हैं हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी. So you have to give an answer ki okay, he is my personal favorite personality. So you can choose. That's why he said personal choice. Who is your favorite cricketer or who is your favorite sports person? What would you like to be in the future? If you get this, what will you happen? So yahan par aapko is tarah ke questions puche ja sakte hain. Which are your personal choice question? आप अपनी मर्जी से उसमें आंसर कर सकते हैं. The second type of question is your preference questions, जिनको हम कहते हैं. Or you can choose. I mean either this or this, right? So we call them as preference questions or preference of choice, choice between A or B. Like for example, if I say what do you think that love marriages are better or arranged marriages are better? So yahan par aapko ek preference dena hai, apna choice dena hai ki nahi nahi mere hisab se ye better hai, kyunki then you have to give the reasons, right? Or if I say that many people believe that, you know, you should after your high school you should take a break for 1 year or 2 year and do something and then start your studies. But some people believe no, you should first study and then you should work. So you have to choose this or this. Or maybe studying in the very popular university is better or a very good universities are better. So it can be a choice. Aap apna preference dete hain ki haan mere hisab se ye better hai. Kyun? Then you give your answers. In case of both these questions, aapka preparation time is 15 seconds. At least 15 seconds aapko sochne ke liye milta hai dono cases mein. And your speaking time is at least 45 seconds. Aapko kam se kam 45 seconds tak bolna hi bolna hai. But 45 seconds ko ye mat leke chaliye ki oh my god, you are eyeing on the watch. Okay, 45 seconds and so us case mein kya hota hai ki aap confuse ho jate hain. Jo aap soch rahe hain ya jo aapne socha hai, aap use properly frame nahi kar pate hain bolne ke liye. Keep an eye on the watch, but don't be very, you know, what should I say, specific about it ki 45 hi bolna hai. If you speak 40 seconds, but if your content is good, you will get the marks. Yahan par mainly in case of speaking, you get marks on your pronunciations, your vocabulary, no grammar mistakes, and of course your content, your thought process. Aap kya soch rahe hain, kya sahi hai, is it on a positive line or a negative line. Yahan par right and wrong ka question nahi hai. Ho sakta hai mere liye jo cheez right hai aapke liye wrong ho, ya mere liye jo wrong hai wo aapke liye right ho. So they don't judge you on the basis of right or wrong, but they judge you on the basis of what you say. आप अपनी चीज को सामने वाले तक कैसे पहुंचा पाते हैं. यू बेसिकली गेट द मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिपेंडेंट टास्क और इंटीग्रेटेड टास्क. नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर इंटीग्रेटेड टास्क. 5 and 6 आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड टास्क, बट देर इज अ डिफरेंस. नाउ इन केस ऑफ 3rd and 4th क्वेश्चन, आपको एक स्क्रीन पे कुछ राइटिंग्स दिखेंगी. आई मीन देर कैन बी अ पैसेज रिटन हियर. आप वो पैसेज पढ़ेंगे एंड देन यू विल लिसन, यू नो, फॉर 3 to 4 minutes समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक. मैं ये नहीं कहूँगी द वर्ड्स विल बी द सेम, द कंटेंट विल बी क्वाइट सिमिलर बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट मैनर. सो आपको इन दोनों को सुनकर, मीन्स रीडिंग
एंड लिसनिंग, दोनों को सुनकर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको मिलाकर आपको आंसर देने हैं. सो व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड, बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग. वहाँ क्या था, इन केस ऑफ स्पीकिंग इन द इंडिपेंडेंट टास्क, आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे उस केस के अंदर. बट यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू स्पीक वट एवर दे आस्क यू टू स्पीक. अब मान लीजिए अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि ओके, इफ आई टॉक अबाउट रोम सिटी, रोम वॉज बिल्ट लाइक दिस एंड दिस एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रोम, तो आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते. आपको जो आपने यहाँ पढ़ा है और जो आपने सुना है उसमें से ही आंसर आपको देने हैं. हो सकता है यहाँ पर करेक्ट आंसर ना हो, यहाँ जो सुनाया गया था उसमें आंसर हो. इन केस ऑफ दिस पार्ट आप रीडिंग को दोबारा पढ़ सकते हैं, बट लिसनिंग जो आपको सुना दिया गया फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, वो आप दोबारा नहीं सुन सकते हैं. सो मे बी वाइल आंसरिंग यू कैन गो बैक टू द राइटिंग पार्ट जहाँ स्क्रीन पे है, उसे देखकर भी आंसर कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई सेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी अ पेन एंड अ पेपर और ए नोटबुक विद यू इन केस ऑफ योर TOEFL एग्जाम. पॉइंट्स लिखिए, क्योंकि लिसनिंग दोबारा नहीं सुनाई देगा आपको. सो क्या क्वेश्चन है या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप जॉट डाउन कर सकते हैं व्हाइल लिसनिंग टू इट. सो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू रीडिंग एंड लिसनिंग, यू हैव टू आंसर देम. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड टास्क, बट हेयर यू विल जस्ट लिसन. 3 से 4 मिनट का एक कन्वर्सेशन सुनाया जाएगा, और इट कैन बी सम काइंड ऑफ अकेडमिक यू नो lecture or something, and then they will ask you questions related to it, whatever you have heard. So like 3rd or 4th mein humne dekha tha, it was a combination of reading and listening, lekin yahan par aisa nahi hai. It's just a just a listening passion task, and you're answering the questions, right? So yahan par aapko us tarah se answer dena hai. Now in case of TOEFL, in case of speaking, this is for 30 marks, so you can say 5, 5, 5, 5, 6 passages. So try to score more marks in case which is your strength. अगर आपको लगता है कि independent के केस में मैं ज़्यादा score कर सकता हूँ, because you can present your personal ideas. So give reasons for whatever you say, give at least 2 examples for whatever you are saying to justify yourself, so that you can get good marks, so you can fetch marks for your those points. Now the 4th pattern we are going to talk about now is your writing task. So the next task or the next section in case of TOEFL exam is your writing part. Writing part is for 60 minutes for sure, and here you have mainly 2 tasks. Yahan pe aapko 2 tasks hote hain. One is an integrated task and one is an independent task. So first let's talk about an integrated task. Integrated task hamara kya hai? The first is your integrated task. इसमें आपको एक passage दिया जाता है. You get a passage. You need to read a passage here. And इस passage के basis पे आपको कुछ questions report तैयार करनी होती है, या आपका opinion पूछा जाता है कि okay, this is a passage about let's say the terrorism in the world. So then you are supposed to write like what do you think about this, or what will you do it if you are there, or something like that. So yahan par aapko is passage ke basis pe aapko answer karne hote hain. I mean a passage likhna hota hai, ya apna report ya article likhna hota hai. Usually you get 4 to 5 minutes to read the passage, aur is 4 to 5 minutes ke baad aapko 20 minutes extra diye jate hain to write. Write whatever they have asked you to write about. So basically we can say it is around 25 to 30 minutes of time, and this is an integrated one because whatever you have to write has to be dependent on whatever you get it from the passage. Kyunki passage ke basis pe aapse pucha ja raha hai ki agar ye passage ya agar aap is situation mein hain to aap kya karenge and whatever the things are. So this is your integrated task. The second is your independent task, जिसे हम एक पैराग्राफ भी कहते हैं. सो लेट्स लुक इन टू दैट नाउ. द नेक्स्ट टास्क इन राइटिंग इज योर इंडिपेंडेंट टास्क, और जिसे हम एक एसे राइटिंग भी बोलते हैं. अब एसे राइटिंग यूजुअली वी गेट
30 minutes to write up, you know, a essay, at least aapko 5 passages likhne padte hain. At least means at least, or it has to be around 400 to 500 words, and here you get marks on the basis of your grammar, your thought process, and of course your vocabulary. Please try to use good and don't repeat your vocabulary again and again. So basically you get these kind of, you know, tasks where you have to spend 30 minutes and write at least 5 passages. First, aapka ek intro sab mein hi hoga aur ek conclusion sab mein hi hoga. Now, the thing is, in case of intro and conclusion, first or fifth aapka fix hai. Beech ke jo passages hain aapke, wo aapke change honge depending on the type of paragraph you are getting. Aur mainly hamare paas jo paragraphs hote hain, wo 5 types ke hote hain, jo aapko milte hain in terms of TOEFL exam. So let's look into that now, ki kis kis tarah ke aapko paragraphs milte hain in case of TOEFL. So let's talk about what types of paragraphs or essays that you get in a case of TOEFL exam. First type you have is your agree or disagree. Sabse pehle aapko milte hain agree or disagree type of questions. Jaise for example, if I give you a condition like our parents are the first teacher, or parents are the best teachers for a child. Do you agree or disagree? Ab yahan par aapko apna opinion dena hai, aapko ek side leni hai, agree or disagree. Now, this is your first type of questions, agree or disagree. The second could be your preference questions. Preference paragraphs like, aapko ek statement de rakha hai, usme aapko apna preference dena hai, like some students like to study alone, whereas some like to study in a group. What do you like to do? So, us case mein aapko dono preferences batani hai, and then you have to give your own opinion ki aap kiske saath hain, aap akele padhna prefer karte hain ya group mein padhna prefer karte hain. So, which one do you like to study? The third one is your if, or you can say imaginary conditions or paragraph. If or imaginary, in the sense ye real nahi hai, ek hypothetical situations hai. Like if I say, okay, if you get to meet a person, a famous personality, whom would you like to meet and why? Ab ye ek hai nahi, lekin hum imagine kar rahe hain ki agar aisa ho, to aap kisse milna chahenge. Or if I say, like, if you get to change one past incidents of the history, which one it will be and why? So these are your imaginary questions, if or imaginary questions, we can say. Then fourth is your description questions. You have to give some kind of description or explanation about the topic, like what are the characteristics of a good boss. So yahan par aapko description deni hai uske character, like good boss should be like this, or what are the characteristics of good parents, or what are the characteristics of good neighbors. So yahan par aapko ek description deni hai us characteristics ke bare mein, uske topic ke bare mein. The last can be your contrast. You have to give a contrast between the two things, like contrast, or it can be a kind of a comparison also, you can say. Like for example, some students they like to live in the dormitories in the universities, but whereas some students like to live outside the university campus, means in the community area. And why do they do that, or which one will you prefer? What are the advantages and disadvantages of both? So here you are going to compare the both the conditions, like this one also and this one also. So these kind of 5 paragraphs you get in case of your independent task.
Please be very careful about what you write. Please try to give more examples to prove yourself. Let's say if I say that, okay, I believe that living in a dormitories is good in terms of, I'm talking about the last one. So I would like to give more examples to prove myself. I would like to give more reasons for my supporting my viewpoint, because in that case it will fetch you good marks for your exam. Now, after talking about all the four patterns of the TOEFL exams, the question that comes to the mind of the people is, why should I give TOEFL? Basically, people, or basically the students who go to America for their higher studies, mainly for their academics, they give TOEFL exam. And these days, sometimes people just want to see their level of English, they give this TOEFL exam. TOEFL exam, you get marks out of 120. 30, 30, 30, 30. I mean, 4, you can divide 120 by 4, so it becomes 30 each. You get the marks. And regarding the exam, I told you that it is a computer-based exam. After filling up your fee, you will get an address for the nearby center where you can go and give up your exam. This is every week we have your TOEFL exams. And the fees about, it is like, you know, $165. So if you are in India, so it depends. Like if rupee is let's say $1 is equal to 62 rupees or 63 rupees. So that's why we don't have the fixed amount. I can say like, okay, this is 11,000, 12,000. So it's $165. So it variates from day to day. Sometimes it can be a dollar can be like 62 rupees for $1, or sometime it can be 62.50 rupees for $1. So the fees can vary. So you can try to find out, or wherever you want to go. Some students, they have a confusion, like, should I go for a TOEFL or should I go for IELTS? For that, why, which one you should go and why you should go, for that you can see our next video that shows you the difference between IELTS and TOEFL. So you can visit that, you can see that and get clear with your ideas, which one will I go in for, or which one should I go in for and why.